मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के सभापति माननीय श्री अवधेश बाबू, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी, बिहार विधान परिषद के उपसभापति श्री हारून रशीद साहब, बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानमंडल के और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सब जानते हैं कि आज हम लोग बिहार विधानसभा के साथ साथ इस विधानसभा परिसर का स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 7 फरवरी 1921 को इस परिसर का उद्घाटन हुआ था और आज हम जिसे विधानसभा भवन कहते हैं उसका उद्घाटन 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा के तत्कालीन, जो कि दोनों प्रदेश साथ में था, उसके पहले गवर्नर लॉर्ड एसपी सिन्हा, जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा साहब थे, उन्होंने 7 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था। यों ये भवन 1920 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1920 के ही अंत तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और 1920 में ही सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा साहब यहाँ के गवर्नर बने थे और पहली बार बिहार और उड़ीसा को गवर्नर से स्टेट का दर्जा दिया गया, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा साहब बिहार और उड़ीसा के, जैसा कि हमने कहा कि पहले गवर्नर थे, वैसे वो बहुत मामले में पहले भारतीय थे। वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर, जो एडवोकेट जनरल उस समय, जो कि प्रेसिडेंसी बंगाल का था, वही इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का हेडक्वार्टर होता था, तो वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल में भी बंगाल के एडवोकेट जनरल बने, क्योंकि पेशे से वो बैरिस्टर थे। फिर वो पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे और फिर वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी मेंबर बने थे। इस तरीके से काफी इलस्ट्रियस पर्सनालिटी थी उनकी और वो हमारे बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर थे। उन्होंने इसका 1921 में उद्घाटन किया था और 1921 का काल जो था वो आप सब जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी ये काफी महत्वपूर्ण काल होता था, क्योंकि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में हम भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर अलाइड पावर के तरफ से लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें हम लोग अंग्रेजों से अपनी आजादी की भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिलकर, अलाइड पावर के साथ मिलकर लड़ाई भी लड़ी और उसमें करीब 45,000 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भारतीयों की अपेक्षाएं ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा थी और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हम लोगों को रियायत कहिए या मदद करने के लिए जो एक्ट लाया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, 1919 का,
या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट करते हैं जिसके आधार पर वो एक्ट आया था, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। हालांकि जिस ढंग से हम भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारी आशाएं थी उसके अनुरूप हमें नहीं मिला था। और हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने या हमारे भारत के नेताओं ने उस एक्ट को खारिज कर दिया था, नामंजूर कर दिया था, और उसी के बाद आंदोलन भी हमारा तेज हुआ था। और संयोग से 1917 में महात्मा गांधी भी भारत आ चुके थे और उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का संगठित रूप भी उभर कर सामने आ रहा था। 1920-21 में जो पहला असहयोग आंदोलन हुआ था उसका भी ताना बाना बुना जा रहा था। और उसी बीच ये आंदोलन हमारा बढ़ रहा था, ये एक्ट आया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसके खिलाफ दमनकारी नीति बनाई थी। और आपको याद होगा कि दमनकारी नीति लागू करने के लिए उन्होंने रावलाट एक्ट लाया था जिसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसकी अंतिम दुखद परिणति जलियांवाला बाग कांड के रूप में हुई थी। और ये तो उसका स्वतंत्रता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य था, लेकिन एक तरफ जहां स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को खारिज किया था, लेकिन इसमें भी कोई दोराई नहीं थी कि उस एक्ट के तहत हमारे संवैधानिक विकास में या हमारे देश या प्रांत में विधायिका के विकास में एक महत्वपूर्ण और नया अध्याय जुड़ चुका था। क्योंकि इस एक्ट के तहत पहली बार जो प्रांतीय विधायिका थी उसको विधायी अधिकार दिए गए थे, और उसमें पहली बार जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनकी उनका बहुमत हुआ था, जितने मनोनीत होते थे उससे अधिक संख्या में, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स का मेजॉरिटी दिया गया। उसके साथ ही पहली बार उस एक्ट के तहत ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो अवधारणा है कि सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी हो, सरकार जो करे उसके लिए वो सदन के प्रति जवाब दे हो, इस अवधारणा की शुरुआत भी उसी दरमियान हुई थी। और उसी के बाद ये जो सबसे बड़ी चीज उस समय हुई, जो सिस्टम ऑफ डायरकी जो कहते हैं कि जिसके तहत आज जो सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट हमारे संविधान का पार्ट है, उसका उसकी बुनियाद या शुरुआत हम कह सकते हैं कि जो डायरकी के तहत जो रिजर्व सब्जेक्ट्स रख लिए गए जो केंद्र के पास था, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे कुछ विभागों को हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अधीन किया गया था, जिसके लिए सरकार विधानसभा या उस समय जो कहलाती थी विधान परिषद उसके प्रति उत्तरदायी थी। इसलिए उस समय हम लोगों ने इसे भले खारिज किया था, लेकिन एक संवैधानिक इतिहास या फिर अपने प्रदेश में विधायिका के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा था। और उसी के तहत विधानसभा इस जो उस समय, जैसा कि हमने कहा कि उस समय बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय विधान परिषद ये कहलाती थी, उसका पहली बार 1920 में ये प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली बनी। और उस नियमावली के तहत पहली बार, जैसा कि हमने कहा, 7 फरवरी को इस विधानसभा की शुरुआत हुई, जिसको गवर्नर साहब ने एड्रेस किया। और ये आज विधानसभा आज इस रूप में हम 243 की संख्या के साथ मौजूद है। हालांकि उस समय हमारी संख्या इतनी नहीं थी,
और उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जो हमने लीफलेट्स दिए उसमें सारी चीजों की चर्चा विस्तार से की गई है कि कैसे हमारी संख्या 47 से बढ़ के 100 सवा 100 150 फिर अधिक भी हुई, फिर कम भी हुई, फिर विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ और अंत में आज हम कैसे 243 की संख्या में बच गए हैं। इसका सारा क्रमबद्ध इतिहास जो आपके फोल्डर में वो दिया गया है उसमें सारी चीजों का विस्तार से उल्लेख है, इसलिए मैं उन सब चीजों में आपका समय जाया नहीं करना चाहता। मैं एक बात का जिक्र अवश्य करना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातंत्र की आत्मा विधायिका में ही निवास करती है, क्योंकि प्रजातंत्र जनता का हुकूमत माना जाता है और जनता, हम आप जैसे जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के माध्यम से जनता शासन चलाती है, तो स्वाभाविक रूप से हमसे आपसे लोगों की भी और सबकी अपेक्षाएं बढ़ी रहती हैं। आप जरा हम आप अपनी अगर दायित्वों पर गौर करें तो आप जरा सोच के देखिए कि हमसे आपसे कितनी बड़ी अपेक्षा की जाती है और लोगों का जो जजमेंट होता है, जो जनता का विजडम होता है, लोगों का जो फैसला होता है उसका प्रजातंत्र में कितना बड़ा महत्व और कितना बड़ा स्थान है, ये इसी से सोचिए कि हमारा प्रजातंत्र संविधान और कानून से चलता है और हम लोग कानून बनाने वाले बॉडी के पार्ट है, मतलब विधायी निकाय के हम लोग अंग हैं। तो कानून की व्याख्या करने वाले हमारे जुडिशियरी के लोग होते हैं, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले, कानून के हिसाब से काम करने के लिए कार्यपालिका होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है और हम विधायिका होते हैं। आप सोचिए कि चाहे कानून की व्याख्या करने वाले हों या कानून का पालन कराने वाले हों, सबके लिए मिनिमम योग्यता रखी गई है, जो कम से कम कौन सी शैक्षिक योग्यता होगी, बिना किसी योग्यता के आप कानून का न पालन करा सकते हैं न कानून की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे प्रजातंत्र की विशेषता है, हमारे जमहूरियत की खूबसूरती है कि जहां कानून लागू करने वाले, व्याख्या करने वाले सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स है, लेकिन कानून बनाने वाले जो हमारे आपके जैसे लोग हैं इसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। और यहीं पर जनतंत्र में या प्रजातंत्र में जनता के फैसले का सम्मान है। जनता अगर हमको आपको चुनती है तो ये माना जाता है कि हम में आप में हम आप मिलकर ऐसा काम करेंगे जो देश और समाज हित में होगा और जनता सही लोगों का चुनाव करेगी। और इस संदर्भ में मैं सिर्फ 2-3 मिनट में उद्धरण, चूंकि आज 7 फरवरी का दिन है, जो ब्रिटिश हुकूमत में जैसा कि हमने कहा कि 7 फरवरी को जो उन्होंने भाषण दिया था तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे लॉर्ड एसपी सिन्हा साहब को, उसको मैं दो चार पंक्ति में है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को कहा गया, ये चिट्ठी है 13 जनवरी 1921 की, इसमें कहा गया कि आप अपनी शक्ति की सीमा में रहते हुए अच्छे प्रशासन का मानदंड बहाल रखें जिससे कि धार्मिक सहिष्णुता, सहयोग एवं विश्वसनीयता को सभी वर्गों एवं समुदायों में प्रोत्साहित किया जा सके, लोक वित्त ईमानदारी एवं प्रांत की साख के लिए सभी प्रयास किए जा सके और लोक जीवन तथा देश की सरकार में
अपने वाजिब हिस्से को प्राप्त करने में आबादी के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के सक्रिय रह सके। और दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश जो गवर्नर को मिला था वो था कि आपको ध्यान में रखना होगा कि जिन्हें भी इस समय और आगे मताधिकार प्राप्त हो वे अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों एवं लाभों को सराह सके जो कि मताधिकार की विशिष्टता के प्रतिफल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें परिषद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला है अपनी पसंद के प्रतिनिधियों के प्रभाव को जानने में सक्षम और वे जो प्रतिनिधियों के तौर पर परिषद में आते हैं यहाँ दिए जाने वाले अपने मतों के असर को जानने में सक्षम जिससे कि अपनी शिकायतों का निराकरण कर सके और प्रतिनिधिक संस्थाओं के क्रियाकलाप की स्थिति में सुधार ला सके। इसलिए एक बहुत ही ऊंचे आदर्श के साथ हम आप जिस सभा या सदन के सदस्य हैं इसकी शुरुआत ही की गई थी। और मैं अभी कुछ ही दिन पहले जनवरी के अंतिम सप्ताह में अहमदाबाद में विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ था उसमें मैं गया था। उसमें जो कुछ चर्चाएं हुई वो यही नहीं पूरे देश के विधायी निकायों के संबंध में एक स्थिति का बयान करती है इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ जो हमारे आपके लिए भी प्रासंगिक है कि वहाँ दो ही मुद्दे पर चर्चा हुई जो दो विषय विमर्श के लिए रखे गए। उसमें दो विषय थे, पहला था कि आम लोगों में ये प्रतिनिधि संस्थाओं के आम जनमानस में प्रतिनिधि संस्थाओं की घटती साख और उस साख के पुनर्स्थापन में हम विधायकों की भूमिका, एक ये था। और दूसरा था कि सदन में सदस्यों की उपस्थिति, ये विमर्श था स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में सदन में सदस्यों की उपस्थिति या फिर कम से कम कितनी बैठकें हों साल में इसके संबंध में विमर्श। तो ये सिर्फ एक इशारा मात्र है और मैंने इसीलिए चर्चा किया कि आज ये सबके लिए कंसर्न का विषय हो रहा है और इसको हम आप सब मिलकर सुधार कर सकते हैं। जैसे आजकल हमने कहा कि अभी तो हम लोग उद्घाटन सत्र में हैं, उसके बाद जो आपके विधानसभा के मामलों में या फिर संसद के मामलों में संसदीय मामलों के विशेषज्ञ हैं जैसी मल्होत्रा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं ये आ चुके हैं, ये आपको नियम और प्रक्रियाओं की बारीकियों से अवगत कराएंगे। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप आज तो अभी यहाँ उपस्थित हैं, दिन में आपके लिए भोजन का भी प्रबंध है और मल्होत्रा साहब आप प्रश्न के बारे में या जो अलग अलग मोशंस आप डालते हैं, प्रश्न भी होता है तो कई तरह का होता है, तारांकित होता है और तारांकित होता है, अल्पसूचित होता है। और हमने इनको भी कहा है कि हमारे सदस्यों को कोई उलझन नहीं रहे कि कोई प्रश्न मन में आता है तो वह प्रश्न तारांकित होगा कि अतारांकित होगा कि अल्पसूचित होगा, ये हमारे सदस्यों को इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमने इस सत्र के दरमियान भी हमने देखा है कि जिसके विस्तार से उत्तर होंगे 4-5 पन्नों के उत्तर होंगे, अब पूरे प्रदेश से जिसका डेटा मंगाना है उसको अल्पसूचित में डाल दिया जाता है तो ये उचित नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि कोई सदस्य हमारे जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने मल्होत्रा साहब को आज यहाँ रखा है, कल सुभाष कश्यप जी आएंगे जो आपके या सदन के विशेषाधिकारों के बारे में बताएंगे। और हमारी आपसे यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि आप कृपया अपना बहुमूल्य समय अवश्य दें, क्योंकि इसके बाद से फिर लंच ब्रेक होगा और उसके बाद भी आपकी यही उपस्थिति रहे। और हमने इनको कहा है, मल्होत्रा साहब को और कश्यप जी को भी, कि आप तो अपनी तरफ से बताएं, साथ ही
हमारे माननीय सदस्यों की जो संदर्भित जिज्ञासाएं होंगी उनका भी आप समाधान करिए, और जिस चीज को जिस रूप में वो समझना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी के समझने का तरीका अपना अलग अलग होता है, इसलिए हमने इनसे निवेदन किया है कि वो उस रूप में आपको बताएंगे और आपके जिज्ञासाओं के अभी समाधान करेंगे। और अंत में हम अपनी एक परेशानी आप सभी माननीय सदस्यों और सरकार के साथ साझा करने के लिए हम जिक्र करना चाहते हैं कि चूंकि अभी आवास की कमी है, हम कुछ माननीय सदस्यों को लगभग संख्या 60-70 है जिनको आवास नहीं दे पाए हैं। इससे भी एक स्थिति है कि जिनको जो आवास दे पाए हैं उसकी भी जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ का जो माहौल है वो रहने लायक उचित नहीं हो पा रहा है। संयोग से हमारे भवन निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं, नगर विकास मंत्री जी भी बैठे हैं, हमने दोनों के साथ बैठकें भी की हैं, और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सरकार की तरफ से अच्छी पहल भी की गई है, क्योंकि हमारे जो तीनों परिसर हैं, जो सर ये दरोगा राय पथ में है या फिर आर ब्लॉक में है, फिर बहादुरपुर कॉलोनी में है, जो अलग अलग मकान है उनको छोड़ के वहाँ जो अतिक्रमण था या जो अनऑथराइज और सामाजिक तत्व रह रहे थे उनको निकाला भी गया है, इसलिए उससे तो मुक्त हो गया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब सिर्फ उस परिसर में थोड़ा नागरिक सुविधाएं मुस्तैदी से बहाल कराने की आवश्यकता है। फिर हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर वहाँ की स्थिति सही हो जाती है तो उन्हें वहाँ रहने में कोई इतराज नहीं है, नहीं तो अभी जिनको हम नहीं दे पाए हैं वो तो नहीं दे पाए हैं, जिनको दे भी पाए हैं वो भी कहते हैं कि वो रहने लायक नहीं है। इसलिए हम लेकिन हमारी जो हमारा जो अनुभव है और हमने जो देखा है और जिस ढंग से सरकार ने प्रयास किया है कि थोड़ा सा और प्रयास कर देने से और कुछ आवास और उपलब्ध करा देने से हमारे सभी माननीय सदस्यों की समस्या का हल हो जाएगा। इसका जिक्र हमने इसलिए किया आप लोगों के बीच में कि आपकी परेशानी है, हम वाकिफ हैं और हम लोग उसको दूर करने में लगे हुए हैं। थोड़े दिन आपको और इस स्थिति को हम लोगों को साथ मिलकर सहना और झेलना होगा, और इस आशा के साथ कि हम आने वाले समय में जरूर इसका कोई कारगर और सही निदान निकालेंगे, क्योंकि विधायकों को आवास की आवश्यकता होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने अपना समय दिया, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से हमारे चेयरमैन साहब काउंसिल के, जिनकी जिनका सक्रिय सहयोग रहा है, और आप सभी यहाँ पर जो मंत्रीगण उपस्थित हैं, जो दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण उपस्थित हैं, उन सबको उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और इस स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूँ, इस आशा के साथ कि ये दिन होता है एक संकल्प लेने का भी कि जिन उद्देश्यों या जिस लक्ष्य को या जिस भावना से इस सदन की शुरुआत की गई या जिस जनता के प्रतिनिधि के हैसियत से हम यहाँ पर इस सदन में जिनका विश्वास लेकर आते हैं, हम सब मिलकर विधानमंडल का माहौल स्थिति परिस्थिति ऐसी बनाए कि जनता का विश्वास इस सदन में आगे बढ़े और हमारे संविधान निर्माताओं से लेकर जो शुरुआत की थी जिन लोगों ने, उनके लक्ष्य को हम पूरा कर सकें, हासिल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत।